नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लोकसभा चुनाव आने में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। चुनाव के सियासी महासमर में राजनीतिक दल भी जुट गए हैं। कहते हैं दिल्ली होने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और इसी को देखकर यूपी की सीटों पर सभी दलों का ज्यादा फोकस है, मतलब यूपी में कोई कसर नहीं छोड़नी है। इसी में आज हम बात करेंगे यूपी जौनपुर सीट की, क्योंकि जौनपुर सीट पर सियासत गर्मा गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में कारगर रहे मोदी मैजिक के दौर में जौनपुर सीट बसपा सपा गठबंधन के हाथों गंवाने का दंश बीजेपी पूरे 5 साल तक खलता रहा। यही वजह है कि भाजपा ने इस सीट को अब नाक का सवाल मान लिया है। वहीं यहां एक बार फिर भाजपा के विजय रथ पर लगाम कायम रखने का विपक्ष का भी मंसूबा है। सपा कांग्रेस साथ मिलकर जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में जुट गई है। वहीं बसपा भी अपनी सीट को बरकरार रखने की जुगत में लगी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बुने जा रहे सियासी ताने बाने के बीच जौनपुर के सिटिंग बसपा सांसद श्याम सिंह यादव चुनाव लड़ने को लेकर अपनी अनिच्छा जता चुके हैं। हालांकि लगे हाथ ये भी कहा था कि यदि कोई पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाना ही चाहेगी तो वह उसका प्रस्ताव पर विचार करेंगे। उनका यह रुख उनके चुनाव लड़ने की संभावना को बरकरार रखा है। पिछले चुनाव में उन्होंने सपा बसपा गठबंधन के बसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता था। पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की जिन सीटों पर भाजपा को हार का झटका लगा था उसमें जौनपुर लोकसभा सीट शामिल थी। यही वजह थी कि भाजपा ने इस सीट पर कब्जा करने के लिए काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, प्रत्याशियों की पहली सूची में इस सीट पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। सियासी हलके में भाजपा की इस घोषणा को विपक्ष पर शुरुआती बढ़त लेने का प्रयास भी माना जा रहा है। लेकिन जौनपुर सीट पर अपनी दावेदारी को लेकर चर्चा में रहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह के अपहरण बार रंगदारी मामले में जेल जाने के बाद उनको लेकर चर्चा हो रही है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनके लगाए गए पोस्टर बैनर को लेकर चर्चाओं का बल मिल रहा है। कोई उनको राहत मिलने पर बाहर आकर विपक्षी पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कह रहा है तो कोई उनकी पत्नी को मैदान में उतारने को लेकर चर्चा कर रहा है। वहीं धनंजय का चुनाव को लेकर क्या कहना है आप खुद ही सुनिए। केवल हमको चुनाव से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। तो देखा, जेल में होने के बाद भी लोकसभा चुनाव की रेस में शामिल होने के सपने धनंजय सिंह देख रहे हैं और अब धनंजय सिंह अपहरण और रंगदारी में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। धनंजय सिंह ने सजा का आदेश रद्द करने और जमानत पर रिहाई देने की मांग हाईकोर्ट से की है। फिलहाल धनंजय की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। धनंजय ने कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था। इसी बीच उन्हें नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदारी मामले के आरोप में जौनपुर की स्पेशल कोर्ट MPMLA ने 7 साल की सजा सुना दी थी। सजा के बाद जेल जाते समय धनंजय ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। कुछ ही दिनों में ही लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है और आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में इस बात पर चर्चा तेज है कि क्या धनंजय सिंह चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री शीटर धनंजय सिंह पर पहले से ही आपराधिक केस चल रहे हैं। लेकिन सजा पहली बार किसी मामले में सुनाई गई है। धनंजय सिंह कई बार विधायक और साल 2014 में बसपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे। इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। अब सजा के कारण उनकी उम्मीदवारी पर पानी फिर गया है। 2 साल या इससे ज्यादा की सजा पाने वाले चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। ऐसे में धनंजय सिंह को अब हाईकोर्ट से उम्मीद है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन में यह सीट सपा के पाले में है। इस सीट पर सर्वाधिक 6 बार जीत हासिल करने वाली कांग्रेस का चुनाव निशान इस बार यहां नजर नहीं आएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जौनपुर सीट पर इस बार किसका कब्जा होगा। लेकिन धनंजय सिंह के बारे में आपकी क्या राय है और जौनपुर सीट पर आप इस बार किसे सांसद देखना चाहते हो, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।